हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। बैठा हुआ हूँ मैं अपनी छत पे धूप में। 21 डे वर्कआउट चैलेंज है जो मैंने अपने आप को दिया था ताकि जो है फिट रह सकूँ मैं। और जो मेरा वेट था वो लास्ट 95.5 राउंड समथिंग था। तो हुआ ये कि जो मैंने अपने आप को चैलेंज ये दिया था और मैं केवल 3 दिन ही एक्सरसाइज कर पाया, 10 दिन पहले की बात है। और उसके बाद जो है वायरल फीवर हुआ और फिर ये स्टमक इन्फेक्शन, ये सब लीवर में प्रॉब्लम हुई और मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और जिसकी वजह से जो है मैं अपना जो है चैलेंज है वो कंप्लीट नहीं कर पाया। और इन जो 10 दिनों में जो वेट है वो भी लगभग 3 kg के आसपास जो है वो कम हो गया है। लास्ट जब चेक किया था मैंने वो था 95.5 समथिंग और आज जो है 92.5 है। तो बिकॉज ऑफ सिकनेस आई वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीट माई चैलेंज। तो ये ऐसी जो चीज़ें हैं वो लाइफ में आती रहती हैं। तो जैसे ही अभी जो मैं ठीक हुआ हूँ, थोड़ा बहुत आज आराम है, अभी हॉस्पिटल से कल आया हूँ। और जैसे ही स्थिति थोड़ी सुधरती है आई एम एबल टू डू एक्सरसाइज। अभी जो है बहुत ही ज़्यादा बॉडी वीक, आई एम नॉट एबल टू सिट प्रॉपरली और स्टमक पेन की वजह से। तो जैसे एक दो दिन में जो है कंडीशन जो है सुधरती है फिर अपने आप को जो है एक नया चैलेंज देंगे। तो ये जो अपना फर्स्ट चैनल था 21 डे का, ये तो बस हम 3 ही दिन एक्सरसाइज कर पाए और फेल हुआ। तो ऐसा ही है, लाइफ ऐसी ही है। कई बार हम जीतते हैं, कई बार हार जाते हैं, पर हारने से भी हमें जो है एक सबक लेना है। एक्सरसाइज करेंगे, अपना डेली रूटीन है फिर से स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू रहेगा ये कारवां अपना, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। एक दो दिन में कंडीशन ठीक हो जाएगी और फिर हम 21 डे चैलेंज नया 1.0 स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।